उत्तराखंड में आज से युवाओं में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 18 से 45 वर्ष के लोगों में इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने राजधानी देहरादून में राधा स्वामी सत्संग घर से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां 50 लाख युवाओं पर फ्री वैक्सीन लगेगी। और जैसे ही आज इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो प्रदेश के युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक से लोगों को इसका लाभ मिले, इसलिए जगह जगह टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा। आप ड्राइव की शुरुआत कर रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? और इस वक्त जब वैक्सीनेट कराना बहुत जरूरी है तो कैसे देखते हैं ड्राइव? देखिए, पहली तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन था पूरे देश के अंदर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को, युवतियों को वैक्सीन लगाना। मैं कह सकता हूँ कि जब ये तय हुआ तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारम्भ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में, बहनों में। और यही नहीं तो हल्द्वानी भी मैं अभी निकल रहा हूँ, वहाँ के मुझे निरीक्षण और जो DRDO के द्वारा 500 बेड का बन रहा है और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और वहाँ स्टेडियम में भी 150 का ऐसा ही वहाँ भी देखना है। साथ ही पहला जाते ही पहले वहाँ भी ये शुभारम्भ करेंगे जो आज नौजवानों पे वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। तो बड़ा अच्छा उत्साह है नौजवानों में और मुझे लगता है कि ये लगातार बना रहेगा। यह हमने तय किया कि ये केवल हॉस्पिटलों में नहीं, ऐसे एक कैंपों में भी और नीचे पहाड़ों में न्याय पंचायत स्तर तक यह कैंप लगे और जिससे कि भीड़ न हो और सभी नौजवानों को इसका लाभ मिले, सभी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। और आपके माध्यम से मेरा इतना जरूर कहना है कि यदि सबसे बड़ा बचाव है तो मास्क ये अनिवार्यतः और सैनिटाइज का उपयोग करें, ये जरूरी है। और मैं कह सकता हूँ जिसने मास्क बराबर लगाया, वैक्सीन का उपयोग किया, तो मैं सोचता हूँ कि आधी से ज़्यादा विजय इसी में हो जाएगी। सर कोविड कर्फ्यू